हेलो स्टूडेंट्स हैं हम सविता गुप्ता लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर वेलकम एंड लर्न विद सविता आज हम क्लास टेंथ की सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के लेसन द ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी इसके एमसीक्यूज करने जा रहे हैं सो डायरेक्टली कमिंग टू आर एमसीक्यूज हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी ए ट्राइम ऑफ सर्जरी जेम्स हैरियोट रस्किन बॉन्ड रॉबर्ट ऑर्थर विक्टर कैनिंग एंड द करेक्ट आंसर इज जेम्स हेरियट इस स्टोरी द टाइम्स ऑफ सर्जरी के जो ऑथर हैं ये जेम्स हैरियट हैं हुईजी अ डॉग अ बॉय ए कैट लीजर्ड तो इस स्टोरी का एक कैरेक्टर है ट्रिकी वो कौन है एंड द करेक्ट आंसर इज ए डॉग ट्रिकी एक डॉग है वट प्रॉब्लम डज मिसिज पम्फ्री थिंग ट्रिकी हैज़ डायरिया मैल न्यूट्रीशन एलर्जीज नन ऑफ द एव तो मिसेज पम्फ्री जो थी वो समझती थी कि ट्रिकी को क्या समस्या हो रही है एंड द करेक्ट आंसर इज़ मेल न्यूट्रिशन वो समझती थी कि ये कुपोषित हो रहा है इसको ठीक से खाना पीना नहीं मिल रहा है वॉज द नेरेटर वेटिंग फॉर ए कॉल फ्रॉम मिसेज पम्फ्री गैस no maybe not sure तो uh, जो नैरेटर हैं क्या वो मिसेस uh, पम्फ्री से की ओर से कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि कभी भी कॉल आ सकता है कि उनका ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है आप आकर के देखिए एंड द करेक्ट आंसर इज येस हु आई रेफर टू इन द स्टोरी इस स्टोरी में जो आई कह रहा है जो फर्स्ट पर्सन है वो कौन है वेटरनरी डॉक्ट सर्जन ट्रिकी मिसिस पम्फ्री और नन ऑफ दिज तो इस स्टोरी में आई जो है वेटनरी सर्जन है वट इज़ द नेम ऑफ द वेटनरी सर्जन मिसिस पम्फ्री ट्रिकी हॉस्किन मिस्टर हैरियट एंड द करेक्ट आंसर इज मिस्टर हैरियट तो जो वेटनरी डॉक्टर थे पशु चिकित्सक थे उनका नाम क्या था मिस्टर हैरियट वॉट वॉज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट वेट के अनुसार सबसे बढ़िया क्या था ट्रिकी के लिए टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल टू टेक हिम फॉर अ वॉक टू लेट हिम हैव शुगर एंड नॉट श्योर तो uh, सबसे बढ़िया क्या था uh, ट्रिकी के लिए टू टेक हिम टू हॉस्पिटल द करेक्ट आंसर इज़ कि उसको हॉस्पिटल ले जाए उस डॉगी को और वहाँ पर एडमिट कर दें मिस्टर हैरियट सजेस्टेड मिसेस पम्फ्री टू गेट ट्रिकी हॉस्पिटलाइज एंड कीप अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर सिक्स डेज ट्वेंटी डेज फिफ्टीन डेज और सेवन डेज तो मिस्टर हैरियट जो पशु चिकित्सक थे उन्होंने मिसेस पम्परी को सजेस्ट किया कि वो ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करेंगे और अंडर uh, ऑब्जरवेशन रखेंगे कितने दिन के लिए एंड द करेक्ट आंसर इज फिफ्टीन डेज वॉट डिड द डॉक्टर गिव ट्रिकी फर्स्ट एट हिज क्लिनिक इंजेक्शंस मेडिसिंस नो फूड फॉर टू डेज ओनली एक्स तो क्लिनिंग में जब टिकी को ले लिया गया तो जो डॉक्टर थे उन्होंने टिकी को सबसे पहले अपने क्लिनिक में क्या दिया एंड द करेक्ट आंसर इज़ नो फूड फॉर टू डेज़ वो इतना खा खा करके इतना ओवर वेट हो चुका था कि उसके ट्रीटमेंट के लिए खाना कम करना ज़रूरी था तो मिस्टर हैरियट ने उसे दो दिन तक खाने को कुछ नहीं दिया सिर्फ पानी देते रहे हाउ ट्रिकी एक्टिंग रिफ्यूजिंग टू ईट हिज फेवरेट फूड डिड नॉट गो फॉर वॉक वोमिटिंग ऑल द एवा तो ट्रिकी uh, क्या कर रहा था जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो किस तरह की हरकतें कर रहा था एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑल द एव तो ऑल द एब क्या है रिफ्यूजिंग टू ईट हिज़ फेवरेट फूड उसका जो प्रिय भोजन था वो खा नहीं रहा था डिडेंट गो फॉर वॉक घूमने के लिए भी नहीं जा रहा था और वो करता फिर रहा था सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑल द एव What did the doctor advise? Cut his food, give him more exercise, keep him on a strict diet, all the above. तो डॉक्टर ने ट्रिकी के बारे में क्या सलाह दी द करेक्ट आंसर इज ऑल द एव क्या कि कट हिज फूड उसका खाना कम किया जाए गिव हिम मोर एक्सरसाइज ज़्यादा उछल कूद करवाया जाए इस डॉकी के साथ और ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट बिल्कुल नपा तुला उसको भोजन दिया जाए सो द करेक्ट आंसर इज ऑल द एव द डॉग सेट द क्लीनिंग टुक नो इंटरेस्ट इन ट्रिकी बिकॉज ही वॉज डल एंड बोरिंग नॉट ऑफ देयर ओन रेस ऑफ ए स्मॉल साइज मोर पावरफुल देन देम तो क्लिनिक में और जो दूसरे डॉगीज़ थे वो उससे मिक्सअप नहीं हुए उसे देखें और सूंग साँग करके फिर चले गए वापस क्यों क्योंकि वो बिल्कुल सुस्त सा पड़ा हुआ था कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था सो द करेक्ट आंसर इज डल एंड बोरिंग हु नर्स पग ग्रे हाउंड ए कैट तो जो कौन था एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रे हाउंड एक शिकारी कुत्ता था उसका नाम था जो क्लिनिक में ही था वो भी फॉर हाउ मेनी डेज ही वॉज़ गिवेन नो फूड कितने दिनों तक ट्रिकी को कोई खाना नहीं दिया गया टू डेज थ्री डेज फोर डेज एंड फाइव डेज एंड द करेक्ट आंसर इज टू डेज दो दिनों तक उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया गया एट द डिनर टाइम मिस्टर हैरियट शुड कीप हिज़ आईज स्पेश ऑन ट्रिकी जो टाइटन ट्रिस्टन तो जब डॉगीज़ को खाना दिया जा रहा होता था तो उस समय मिस्टर हैरियट सख्त निगाह रखते थे किसके ऊपर किसके ऊपर ट्रिस्टन के ऊपर ट्रिस्टन कौन था वो बावर्ची था जो डॉगीज़ के लिए खाना तैयार करके उनको खाना देता था खाने के लिए तो उसके ऊपर कड़ी निगाह रखते थे कि कहीं ये कुछ ज़्यादा खाने को ना दे दे ट्रिकी को वॉट इज द नरेटर रिफर टू ट्रिकी एज इन द ग्रुप ऑफ अदर डॉग्स सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट सैगी लिटिल ऑब्जेक्ट लवली डॉगी नन ऑफ द एवब तो कुत्तों के झुंड में ट्रिकी को नरेटर क्या कह के बुलाते थे द करेक्ट आंसर इज सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट उसे सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट कह के बुलाते इतना नरम मुलायम सा डॉगी था वो हु डू यू ब्लेम फॉर ट्रिकीज इलनेस मिसेस पंफरे हॉस्किन हैरियट वैट तो मिसेज ट्रिकी uh, uh, बीमार किसकी वजह से पड़ा द करेक्ट आंसर इज़ मिसेज पम्फ्री उसको uh, खूब ज़्यादा खिलाते पिलाते थे इस कारण से वो बीमार पड़ा था तो मेन रिस्पॉन्सिबल उसकी बीमारी के कौन थे मिसेस पम्फ्री हु इज़ हॉस्किन डॉग ओनर गार्डनर वेटनरी सर्जन अ डॉग तो मिस्टर uh, हॉस्किन कौन थे द करेक्ट आंसर इज गार्डनर तो ये मिसिज पंफरी के घर के गार्डनर थे वो uh, उस uh, डॉगी को ट्रिकी को खिलाते थे सो ही वॉज ए गार्डनर करेक्ट आंसर इज गार्डनर हाउ डेर द स्टाफ benefit from mrs pumphrey's overdoing breakfast with egg lunch with wine dinner with brandy all the above and the correct answer is all the above to so, kaise mrs pumphrey खूब सारा खाने का जो सामान भेजती थी उससे स्टाफ को क्या फ़ायदा मिलता था तो करेक्ट आंसर इज ऑल द एवव इसके लिए ब्रेकफास्ट विथ एग्स वो दो दो दर्जन अंडे भेजती थी ट्रिकी के लिए और स्टाफ खाता था उसको ट्रिकी को तो डाइट पे रखा हुआ था लंच विद वाइन वाइन भी भेजती थी ट्रिकी के लिए तो उसको तो कुछ देते नहीं थे ये खुद पीते थे डिनर विद ब्रैंडी ब्रैंडी भी भेजती थी तो ये डिनर में ब्रांडी का यूज़ कर लेते थे डॉगी को डाइट पे रखा हुआ था सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑल द वॉट डेट मिसेस पम्फ्री ब्रिंग एट फर्स्ट तो सबसे पहले मिसेस पम्फ्री क्या लाइन टू डजन फ्रेश एग्स फोर डजन फ्रेश एग्स ब्रैंडी और वाइन तो करेक्ट आंसर इज़ टू डजन फ्रेश एग तो जैसे ही ट्रिकी के थोड़ा स्वस्थ होने की खबर मिली मिसेस पम्फ्री सबसे पहले उसके लिए क्या पहुँचाती हैं दो दर्जन ताजे अंडे और स्टाफ मजे लेके खाता है फिर वाई इज़ द नरेटर टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट दे शुड लूज ऑल द लग्जरीज लाइक एक्स वाइन्स एंड ब्रैंडी थॉट मिसेस पंफरी वुड नॉट टेक केयर ऑफ ट्रिकी बिकॉज ही लव ट्रिकी एंड वाइन तो जब इतना सारा खाने पीने का सामान आने लगा मिसेस पम्फ्री की ओर से ट्रिकी के लिए अंडे वाइन ब्रेंडी तो ये सब ट्रिकी तो खाता नहीं था खाता स्टाफ था तो स्टाफ को क्यों मन में ये लालच आ गया कि ट्रिकी को और ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में ही रखा जाए ताकि वो जो लग्ज़री चीज़ें मिल रही थी अंडे वाइन और ब्रांडी वो मिलना बंद ना हो जाए आफ्टर बींग क्योर्ड वॉज ट्रिकी हैप्पी टू हैप्पी ऑन सीइंग मिसिस पम्फ्री यस नो मे बी ही शोड नो इमोशन तो जब आ, ट्रिकी क्योर हो गया स्वस्थ हो गया तो जब मिसिस पम्फ्री उससे उसको लेने आई तो क्या ट्रिकी बहुत खुश हुआ उनको देख कर के द करेक्ट आंसर इज़ येस मैं जो ट्रिकी था मिसेस स्पाइन को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था वट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड लिथे डर्टी ग्रेसफुल मिसबिहेविंग तो एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रेसफुल What is the meaning of the word convalescing? Condescending, worsen, disappointing, and recover. And the correct answer is recover. What is the meaning of the word screaming? Fight. Play, fun, run, and the correct answer is fight. So, students, this is all about the MCQs of the triumph of surgery. Thank you, thanks for watching the video.